नजर आते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के थाना सरपताह में मछली पालन के लिए आवंटन पाए संजय कुमार बिंद निवासी छिप्तम पट्टी ने मछली की रखवाली करने के लिए बनाए गए मड़े को दबंगों ने रातों रात जला दिया, जिसकी तहरीर पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे को दी। प्रभारी निरीक्षक ने निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। जांच करने पहुंचे उप निरीक्षक ने पीड़ित को राजस्व अधिकारी से जमीन की पैमाइश कराने की सलाह दी, जबकि मामला दबंगों द्वारा मड़हा जलाने का था। मड़हे को जलाने वाला व्यक्ति एक वर्ग का रसूखदार व ऊंची पहुंच वाला बताया जा रहा है। पीड़ित ने जब बात मड़हे जलाने पर उपनिरीक्षक से कार्यवाही करने की बात कही तो उपनिरीक्षक अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए पीड़ित को नाटकबाजी ना करने की बात कही। आखिर सरपताहा पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने से क्यों भाग रही है? मामला आगजनी का है। राजस्व विभाग से पैमाइश कराने की बात कहकर क्यों पल्ला झाड़ रही है? क्या रसूखदार व्यक्ति के आगे गरीब को न्याय दिला पाएगी सरपताहा पुलिस? आखिर इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों रखना चाहती है पुलिस? क्या प्रदेश के योगी सरकार का भय मुक्त व उत्तम प्रदेश बनाने का सपना ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के भरोसे बनाया जा सकता है? सवाल बहुत हैं। देखना यह होगा कि योगी सरकार में गरीबों ने जो न्याय की आस लिए बैठे थे, क्या उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए केडी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय कुमार बिंद। गांव कौन सा है? छीतमपट्टी। आपका छीतमपट्टी जी। क्या मामला क्या है पूरा? वो पोखरा हम पट्टे पे लिए हैं, इसकी रखवाली के लिए छप्पर रखे थे, उसी में सोते थे, तख्ता वगैरह सब था, बिस्तर वगैरह यही था। और कल शाम को जो है 7:30 बजे करीब 8-10 लोग जो है बाइक पे आए, हथियार भी लहराए और मैंने कि हाकी डंडा भी लिए थे, छप्पर को गिरा दिया और गिरा के चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे पता लगा, ये नहीं पता लगा कौन थे। फिर उसको हम सीधा उधा करके फिर तख्ता उख्ता रखे और रात 11:30 बजे के बीच में जब मैं सोने के लिए आया वहाँ तो पता चला कि वहाँ आग लगा दी गई और उसमें तख्ता तो नहीं था, बाकी सब कहाँ गया क्या हुआ वो पता नहीं चला। सुबह रात में ही ट्रैक्टर चलवा करके उसको जुतवा दिए हमारी मड़ई वाले हिस्से को। और सुबह वहाँ मतीन खान अपने ट्रैक्टर को की टाली वगैरह सब रख दिए और कब्जा दिखा दिए कि ये हमारा है। कौन सा थाना है? सरपताहा थाना। सरपताहा थाना। आम तोड़ने को लेकर हुआ विवाद, ग्राम प्रधानों के दबाव में नहीं दर्ज किया मुकदमा। जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के गयासुपुर नोनारी में कल दोपहर अदनान पुत्र नौशाद अपने घर के पास आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था कि उसी दौरान उसके उग्र किस्म के पड़ोसियों अद्दू तथा अन्य लोगों ने मिलकर अदनान को अकेला पाकर बेरहमी से मारा। ईंट से प्रहार करने से उसके सिर पर गहरी चोटें पहुंची हैं। इस घटना की सूचना पीड़ित अदनान के परिजनों ने थाना अध्यक्ष खेतासराय को दी, परंतु पीड़ित पक्ष का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। बता दें कि विपक्षी दल की तरफ से 2 ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों के सह से पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। पीड़ित देर रात तक थाने पर डटा रहा। थाना अध्यक्ष ने पीड़ित से कहा, तुम जाकर अपना इलाज कराओ, कल सुबह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना कहकर क्षेत्र में निकल गया और मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब देखना यह है कि थाना अध्यक्ष पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को न्यायोचित न्याय दिलाते हैं या नहीं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए केडी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका परिचय भाई सर? ग्यासपुर नोनारी। क्या मामला है? थोड़ा तेज बोलिए। ग्यासपुर नोनारी। क्या मामला है? मामला ये सर कि मैं मेरा घर ग्यासपुर नोनारी, मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, वो मतलब ये लोग तोड़ रहे थे तो मैं घर के बाहर गांव में था, वहाँ से आ रहा था वापस, तो मेरी बहन ने ये काम उठा लिया और उसके बाद फिर मैं भी तोड़ने लगा। फिर मैं तोड़ता था आम तो इन लोग बीनते थे, क्योंकि इन लोग का आम में हक ही नहीं था, तो वो आम में बीनता था, वो सब बीन लेते थे। फिर हमसे उससे झगड़ा हुआ, फिर जब झगड़ा होने के बाद फिर एक मारे बड़े के अब्बू हैं उनका दुसमद नामा, वो आए और हमें छुड़ाए, हमें मारे और वो दोनों मिलके मारे हमारे यहाँ। देखो कौन दोनों? कौन दोनों? वो हमारे बड़े के अब्बू थे, वो पकड़ लिए। और क्या नाम है? अब्दुल समद। और वो जो लड़का से हमसे झगड़ा हुई थी वो लड़की, क्या नाम है जो मारा? क्या नाम है? अरकम नाम है। वो ईटे से मार दिया
और अच्छा ईटे से मारा आपको? जी। अच्छा उसके बाद में ईटा लिया तो उसी से मार दिया। उसके बाद सर फूट। अच्छा तो आप कितने बजे यहाँ थाने पे आए? थाने पे हम शायद करीब 1:30 या 2 बजे के बीच में आए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ यहाँ? जब से आप जब यहाँ आए आप? हम यहाँ आए तो एक एप्लीकेशन लिख के दिए। हाँ, दो तीन बार चक्कर यहाँ वहाँ मारे, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तो साहब निकले, गाड़ी वहाँ लगी। कितनी देर बाद एसओ साहब निकले? एसओ साहब करीब 1.5-2 घंटे बाद निकले। माने अंदर से 2 घंटे के बाद एसओ साहब निकले? उस हाँ। 2 घंटे बाद? जी सर, 2 घंटे। उसके बाद आपको फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हुआ कि मैं वहाँ गया तो बोले कि आपको नोनारी से मैटर है? मैंने बोला हाँ नोनारी से मैटर है। हाँ? तो बोले जाओ मलाम पट्टी करवा लो, बाद में मुकदमा वकदमा लिखेंगे। कहने का मतलब आप 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे के बाद एसओ साहब यहाँ से यहाँ निकले। और आपने वहाँ उसके बाद बस उन्होंने कहा कि ये चीज 2 घंटा आपको यहाँ वेट करना पड़ा। 2 घंटा वेट करना पड़ा और फिर भी ये बता सकता है कि कब की चोट है। हाँ, जैसे देखा जाए कि यहाँ चोट जो इस तरह से इनको लगा हुआ है, ये देखें काफी घाव बना हुआ है, और जो कि पीड़ित को जो कि तुरंत राहत देनी चाहिए, पीड़ित को तुरंत राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ नहीं, एप्लीकेशन अभी भी जमा है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। अच्छा, आपको रिसीविंग भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। अच्छा। लखनऊ में इंडिया एवरी होम कुसेट के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन, मास्क एवं सैनिटाइजर व अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण बूथ अध्यक्ष दशरथ महतो एवं सेक्टर संयोजक आशीष कुमार सिंह, एडवोकेट महामंत्री बीकेटी बाल एसोसिएशन लखनऊ की उपस्थिति में किया गया। रोहित बाल्मीकि, मालती बाल्मीकि, राजेंद्र बाल्मीकि, मायाराम रावत, सीमा कश्यप, गीता कश्यप, राहुल सैनी, रामपाल सैनी, सुशीला देवी, मुस्कान सगीर, अहमद कुल 50 लोगों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।